सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रील्स के बारे में, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है। आजकल भाई इसका बहुत ट्रेंड है, इसको समझेंगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं या फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में क्यों। सेम हैबिट है तो भाई आप कह सकते हो कि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिससे आपका टाइम काफ़ी बर्बाद होगा। कई बार हम किसी को कहते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को कि भाई ये किसी चीज़ का नशा करता है या फिर इसको कोई बैड हैबिट है, तो अगर रील्स को स्क्रोल कर सकते हो आप घंटों तक तो वो भी उस नशे से कम नहीं। आपको पता है कि वो रील्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ सेकंड्स में, जैसे कि 30 सेकंड्स की होगी या 1 मिनट की वीडियो होगी, तो हर एक को वही छोटी छोटी वीडियोस देखनी पसंद है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। बट उस चक्कर में पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे आपके वेस्ट हो गए। वहाँ पे रील्स अपलोड होती है वो डिपेंड करती है किस तरीके का वीडियो क्रिएटर है, जिसका वो म्यूजिक है उसको तो बहुत फायदा होगा क्योंकि व्यूज़ आएंगे। कहते हैं कि भाई किसका गाना है, फिर स्पेशली यूट्यूब पे देखने आते हैं, यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, फिर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से क्रिएटर का तो बहुत फ़ायदा है। बट जिसने भाई म्यूज़िक बनाया वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट जो उनको देख रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि उसको कोई भी नहीं खरीद सकता। लोग पैसा कमा लेंगे बट टाइम को कोई नहीं खरीद सकता। अगर आपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करी तो आप कह लो कि भाई लाइफ में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो एक सिंपल सा फैक्ट। आज के टाइम में जो मीम्स वगैरह बनती है वो ना एक अलग ही वर्ल्ड है, एंड लोग उसी को इतना सीरियस लेके आगे आगे शेयर करते रहते हैं, फिर कमेंट्स रीड करने की लोग क्या कह रहे हैं, और उसको देख रहा बार बार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, थोड़े टाइम के लिए सही रहती है, बिल्कुल तो आपके लिए सही नहीं है। कई बार होता है कि आपके हाथ में मोबाइल है एंड आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोस्त ने आपको रील शेयर करी। एक दिन में वही 50 मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करना। कई बार आप चलो आप देखते भी नहीं होंगे, फिर आप अपनी रील्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते होंगे, वो चीज़ भी हो सकती है, बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा न्यूज़ आर्टिकल्स देखो, कुछ स्टडीज़ देखो, वहाँ पे भाई साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इससे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, चाहे डिप्रेशन हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया। तो हर एक चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ सीखी अपनी लाइफ में कि जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है एक नेगेटिव होती है, तो उसमें जो बैलेंस है ना उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी आपको बहुत हो सकता है अगर वहाँ से आप कुछ नॉलेज के लिए सीख रहे हो, कुछ अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर उसको सिर्फ इसी में यूज़ कर रहे हो कि आपने रील्स ही स्क्रोल करनी है, पूरा दिन आपने ऐसी टाइम वेस्ट करना है, तो उसकी वो नेगेटिव साइड हो गई। हम कहते हैं कि इंसान ने एक गलती की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बट यहाँ पे एक गलती से एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इससे पता चलता है कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, फेसबुक आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास है, ट्विटर आपके पास है, या फिर बाकी आपने कुछ ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो कंपैरिजन करने की आदत बड़ी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है जो आपके दोस्तों के पास है, आपके क्लासमेट के पास है या आपके कोवर्कर्स के पास है, तो वहाँ पे आप कंपेयर करने लगोगे कि मेरे पास ये लाइफ में नहीं है। जब भी वो पर्सन कोई स्टोरीज अपलोड करेगा आप वहाँ पे टेंशन पे करोगे, आपको लगेगा कि वो बंदा जो भी दिखा रहा है वो ट्रू है, कि भाई यही उसकी लाइफ है, रियलिटी में कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत पैसा खराब कर देते हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे अच्छा दिखाने में, एंड रियल लाइफ में उनके पास चाहे उतना पैसा भी ना हो। तो आपकी जब एक बार कंपैरिजन करने की आदत पड़ गई, उस कंपैरिजन के चक्कर में कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, यानी फिर उसके बाद आप अलग अलग लोगों से एडवाइस लोगे, तो वहाँ पे इतने ओपिनियंस इकट्ठे हो जाएंगे कि आप अपने फील्ड को लेकर, अपने पैशन को लेकर बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब सभी बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है, सलूशन इसका प्रोवाइड करने से पहले एक चीज़ आपको और क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पता लग ही चुका है कि इसके इतने नुकसान हैं, इतना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो खुद सॉल्यूशंस पता होने चाहिए थे। सॉल्यूशंस हर एक को पता होते हैं, तो एक वहाँ पे फीचर होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर क्लिक करो, वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड की ऑप्शन आती है। जब बार बार आप वो करोगे तो सिस्टम होता है उसके हिसाब से आपको वो रील्स या वो वाला कॉन्टेंट नहीं रिकमेंड होगा, तो ये तो एक फर्स्ट ऑप्शन है। एंड दूसरी, आपको एक टाइम लिमिट लगा लेनी है कि भाई कितना टाइम मैंने ये यूज़ करना है। एंड फिर अगर आपको किसी से दिक्कत है, उनकी स्टोरीज देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हो, वहाँ पे भाई म्यूट का ऑप्शन होता है। अगर आपको ये है कि भाई मैं इसको अनफॉलो नहीं कर सकता, मैं मुझे ये फॉलो कर रहा है या कुछ भी आप ऐसा सोचते हो, तो वहाँ पे म्यूट की ऑप्शन होती है, आप वो करो। मैं भी देखो कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैंने भी यार अलग अलग लोगों के साथ काम करा है, आई नो कि भाई क्या चल रहा है आज के टाइम में। तो म्यूट की आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जाओ एंड ऐप को डिलीट करो,
आपको है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट अगेन जैसा मैंने कहा, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। एंड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। एवरी प्रॉब्लम इज टेम्परेरी एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। एंड सोशल मीडिया, देखो मैं आपको जैसा बोला कि टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक टाइम पे आती हैं, तो इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ किसी की इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एक साथ लेकर चल लें। एक प्रॉब्लम आ गई, उसी से बस हो जाती है इंसान की, उस चक्कर में पता नहीं वो कितनी इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगेगा। तो 2024 में अगर आपने कुछ नया करना है, ये एक हैबिट को सुधार लो, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो, एंड अगर आपका कोई और ओपिनियन है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ मैं ऐसी वीडियोस शेयर करूं ताकि हम सभी टाइम के साथ ग्रो हो सकें, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।